हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश वीक 26 क्लास 5th की वर्कशीट। टॉपिक है बच्चों पिक्चर कंपोजिशन। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिला है। ठीक है, लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द बर्ड दैट यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। तो बच्चों, इस पिक्चर में कौन सा बर्ड है? तो बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कौन सा बर्ड है, पैरट। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरट। वेयर इज द फर्स्ट पैरट इन अ केज और ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों, पहला जो पैरट है वो किस में है, केज में यानी कि पिंजरे में है या ग्राउंड पे है, जमीन पे है? तो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे इन अ केज। नेक्स्ट है बच्चों, वेयर इज द सेकेंड पैरट ऑन अ वॉल और ऑन द बंच ऑफ अ ट्री, ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो देखिए बच्चों, ये कहाँ बैठा है, पेड़ की टहनी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट बच्चों, विच बर्ड डू यू थिंक इज मोर हैप्पी, द वन हु इज कैप्ट इन अ केज और द वन हु इज़ फ्री ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि दोनों में से हैप्पी कौन सा बर्ड होगा, जो पिंजरे के अंदर है या जो पेड़ की टहनी पे बैठा है? तो बच्चों, जो पेड़ की टहनी पे बैठा है वो ज़्यादा खुश होगा। तो यहाँ लिखेंगे द वन हु इज फ्री ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बच्चों, टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन व्हाई फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वुड यू लाइक टू लिव इन अ केज। बच्चों, आप सभी को अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी है और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो फ्रीडम है, ठीक है, जो आज़ादी है वो क्यों ज़रूरी होती है। क्या आपको पिंजरे में रहना पसंद है? तो बच्चों, किसी को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन द पिक्चर, डांसिंग और फ्लाइंग अ कार्ट। तो बच्चों, पिक्चर में ये बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चों, ये पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड इज फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट बच्चों, कैन यू टेल द नेम ऑफ द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर। तो बच्चों, यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल की पिक्चर है, ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तो बच्चों, ये इंडिपेंडेंस डे की पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, व्हेन इज दिस डे सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री। बच्चों, तो ये जो अपन ने इंडिपेंडेंस डे ऊपर बताया है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो बच्चों, एवरी ईयर इसे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। राइट एनी टू डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द बॉय इन द पिक्चर। अब बच्चों देखिए, बॉय के लिए हमें कोई भी दो डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट हेयर, उसके छोटे छोटे बाल है, फ्लाइंग अ काइट, और वो पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी दो डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, लाइफ स्किल, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वननेस। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स, रेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस लिव टुगेदर। तो देखो बच्चों, एकता में अनेकता में एकता। ठीक है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, कि इसका एक मीन्स
अनेकता नहीं होता है, इसका मतलब होता है एकता बनाए रखना, वननेस, यूनिटी। ठीक है, इंडिया एक ऐसा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ अलग अलग धर्म के, जाति के, कल्चर के, ठीक है, लोग एक साथ रहते हैं। डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस, पीपल ऑफ इंडिया लिव टुगेदर विद लव एंड ब्रदरहुड। और यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो एक प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कनेक्ट्स पीपल इन द बॉन्ड ऑफ ह्यूमनिटी एंड पीस। अब बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो लोगों को एक बॉन्ड में, इंसानियत की और शांति की बॉन्ड में बांधती है लोगों को। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है। ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पोस्चर ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत सुंदर सा पिक्चर, यहाँ पे पोस्टर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है बच्चों, संस्कारशाला। पॉजिटिविटी ऑलवेज विन्स। तो बच्चों देखिए, हमें बोला गया है कि पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक सोच जो होती है वो हमेशा जीतती है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, फूड एंड ड्रिंक, हैव होममेड वेजिटेबल सूप। आप सभी को होममेड वेजिटेबल सूप लेना है। एक्टिविटी, राइट योर नेम बाय यूजिंग शेल्स ऑफ पीनट। बच्चों, जो मूंगफली के छिलके होते हैं उनसे आप सभी को अपना नाम लिखना है, उनके छिलकों से। गेम प्ले चटाई यानी कार्ड्स विद फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपने वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।